देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 23 मई, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, क्या करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, पहलवानों ने भरी हुंकार, आज 23 तारीख को निकालेंगे कंडल मार्च। नार्को टेस्ट को लेकर बुरा फंस गया ब्रिजभूषण शरण सिंह, अगर दिल्ली पुलिस करती है कार्रवाई तो फिर जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, नार्को टेस्ट को तैयार हुए पहलवान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा, दंगा, दंगे के बीच गृहमंत्री अमित शाह का मांगा गया इस्तीफा, विपक्ष हुआ हमला और बोले 20 दिनों से खेला कर रही है केंद्र सरकार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, विपक्ष हुआ एकजुट, राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बड़ी बैठक, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी मीटिंग, नीतीश कुमार से लेकर के राहुल गांधी तक रहे बैठक में, बड़े तैयारी है विपक्ष की, बड़ी तैयारी में है विपक्ष, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव में सारे दल एकजुट होकर करने जा रहे हैं बड़ी जनसभा को संबोधित। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, संसद भवन का होगा विरोध, विपक्ष ने बायकॉट का किया प्लान, बताएंगे इनके बारे में। इस बीच अगली खबर, जहां बीजेपी संग लड़ाई में केजरीवाल को मिल गया है कांग्रेस पार्टी का साथ, बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों, जहां कर्नाटका में कैसे कांग्रेस ने कर दिया खेला, वहीं बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर दिया फ्री का ऐलान, बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है, हरियाणा में भी कांग्रेस के फ्री वाले ऐलान से बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सतपाल मलिक ने जो आग खींच दी है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल पहलवान आज कैंडल मार्च निकालेंगे इंडिया गेट तक, बड़े पैमाने पर किसान और खाप पंचायतें भी रहेंगे साथ, बिग ब्रेकिंग जहां पहलवानों ने कबूल कर लिया है, खास करके इस पूरे के पूरे फंस चुके हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। दरअसल नार्को टेस्ट की बात को अब पहलवानों ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसका लाइव टेस्ट होना चाहिए, और अगर लाइव टेस्ट होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस बीच पहलवानों के इस हुंकार से ब्रिजभूषण शरण सिंह बुरा फंसता नजर आया है। इस बीच आपको बता दें, आज 23 मई को कांडल मार्च निकालकर पहलवान जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में खास करके खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि आज 23 तारीख को जो इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और 28 तारीख को मोदी के संसद भवन पर चढ़ाई की जाएगी। इस बीच आपको बता दें, यहाँ पूरे तरीके से जो है वो तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, मणिपुर में फिर से बढ़ी हिंसा, गृहमंत्री अमित शाह का मांगा गया इस्तीफा। दरअसल हिंसाग्रस्त मणिपुर में सोमवार दोपहर बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, बताया जा रहा है 4 घरों को अज्ञात तत्वों ने आग लगा दी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल सेना, असम राइफल और मणिपुर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया और क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व विधायक और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को भी हिरासत में लिया गया, हालांकि किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन जिस तरीके के हालात खराब हैं उनमें बीजेपी के विधायक भी सामने निकल के आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक और भी इस दंगे में शामिल हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस दंगे को शांत कौन नहीं होने देना चाहता है, जी हाँ, या आखिर इस दंगे को कौन बढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि अब विपक्ष पिछले 20 दिनों से चल रहे दंगे के आरोपी में गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और कहा है गृहमंत्री इस्तीफा दें, जिस तरीके से दंगे पे दंगा हुआ जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों, कांग्रेस ने केजरीवाल का कर दिया समर्थन। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां केजरीवाल को मिल गया है संसद में कांग्रेस के साथ, अध्यादेश तबादला नीति पे संसद में करेगी समर्थन। दरअसल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आसाम संवाददाताओं से कहा है कि कांग्रेस संसद में जारी दिल्ली के अध्यादेश का विरोध करेगी। वहीं पिछले शुक्रवार देर शाम केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जो सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले और आदेश को रद्द करता है। इनमें कहा गया है कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की बॉस है और अधिकारियों के तबादले पर राज्य सरकार का कंट्रोल रहेगा। इस फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सभी विपक्षी दलों से जुड़े सहयोग को मांगा था, तो एक तरीके से कांग्रेस ने सीधा सहयोग देने का ऐलान कर दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां
अब कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार की हुई दिल्ली में बड़ी मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल कांग्रेस ने बनाई बड़ी रणनीति। कर्नाटक में जोरदार जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है और माना जा रहा है कि नई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फॉर्मूले पर चलते हुए पार्टी ने यह जीत हासिल की। अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले को अन्य चुनावी प्रदेशों में भी आजमाना चाहती है। इसके चलते विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जुट गई है। इसी के सिलसिले में कांग्रेस विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाने वाली और सोमवार को खड़गे के आवास पर नीतीश कुमार के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी से मुलाकात थी। और गौरतलब है कि अगले एक साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ हासिल करने के लिए कांग्रेस खेमा उत्साह से भरा हुआ है और पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है जिसमें तमाम विपक्षी दल 2024 से ठीक पहले एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में पूरी तरीके से शामिल होने जा रहे हैं बड़े बड़े विपक्षी दल, खास करके बहुत सारे दल 2024 को लेकर एक शंखनाद भी से माना जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान, सरकार सत्ता में आई तो 100-100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में खुद से जीत के बाद उत्साही कांग्रेस की नजरिया अन्य राज्यों में जीत पे है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति में तय करनी शुरू कर दी। हरियाणा में भी अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा वासियों से वादों की झड़ी लगा दी और कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 500 रुपये में रसोई सिलेंडर से लेकर गरीबों को 100-100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। उन्होंने जनता से छह वादे किए हैं। हरियाणा से रोहतक में 3 बार सांसद और राज्यसभा MP देवेंद्र हुड्डा ने हरियाणा वासियों से 6 वादे किए हैं। ट्विटर पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए हुड्डा ने कहा है कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार हरियाणा वासियों को 6 तोहफा देगी, 100-100 गज का प्लॉट, 500 रुपये रसोई गैस, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पक्की भर्ती, बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपये महीना, पुराने पेंशन योजना बहाल। तो कांग्रेस की इस रणनीति के बाद अब बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, सतेंद्र जैन की हालत देख केजरीवाल विफरे, जुल्म और अत्याचार बता जमकर कोसा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सतेंद्र जैन बीमार हैं और सोमवार को उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में एक तस्वीर सामने आई है जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सतेंद्र जैन अब अत्याचार करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करेगी। पिछले साल मई से ही तिहाड़ में बंद सतेंद्र जैन को लेकर केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेहतर काम करने की वजह से केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया है। हाल ही में सतेंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका वजन 35 किलो घट गया है और वह कंकाल की तरह दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं राजनीति के एक निम्न स्तर पर राजनीति जा रही है। एक और अपडेट, कांग्रेस के बजरंग दल बैन वाले पर जमीतुलमा अरशद मजनी बोले 70 साल पहले ही लेना था फैसला। जमीतुलमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी रविवार को बजरंग दल के पे प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। मदनी ने मुंबई में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की थी। मैं समझा था कि गलती नहीं बल्कि अपनी गलती का तरादू किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान देकर अब एक तरीके से बड़ा माहौल बना दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों, जहां अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने किया वायदा, सत्ता में आते ही बिजली माफ के साथ साथ 1500 रुपये महिलाओं को हर महीना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, कई चीज़ें देने का ऐलान कर दिया है जिससे मध्य प्रदेश में भी लगातार बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है खास करके इनके लिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां सतपाल मलिक ने फिर से किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, कहा राजनाथ सिंह को अगर इस्तीफा देना पड़ता। दरअसल पुलवामा हमले पर चुनाव 2019 का जीता गया है, राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना था। सतपाल मलिक ने एक बार फिर से खुलासा कर दिया है। सतपाल मलिक ने स्पष्ट तरीके से लगातार हमलावर हैं, जिस तरीके से 2019 में पुलवामा हमला हुआ उसके बाद एक एक करके खुलासे कर रहे हैं। सतपाल मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, तमाम एजेंसियों को जो है वो कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट से लेकर तमाम चीज़ों की जो है वो एजेंसियाँ अपने हाथों में ले लेंगे। मोदी सरकार अगर 2024 में चुनाव जीते तो फिर इस देश में कुछ बचने वाला नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। लेकर एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के गद्दार जमीतुलमाए हिंद के अधिवेशन में हसन मदनी का बड़ा बयान। इस्लामिक संगठन जमीतुलमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद के भतीजे हसन मदनी ने बड़ा बयान दिया। मुंबई के आज़ाद मैदान में जमीतुलमाए हिंद के अधिवेशन में अपनी बात रखते हुए मदनी ने
कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले गद्दार हैं। मदनी ने कहा है, अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले गद्दार नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले देश के मुसलमान गद्दार कैसे हो सकते हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में हसन मदनी ने विवादित बयान दिया। मदनी ने कहा है कि देश के असली गद्दार तो वे लोग हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये मुल्क सेकुलर है और इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करना गद्दारी है। अगर ऐसे लोग देश भक्त का सर्टिफिकेट बांटने वालों के लिए ये सही है तो देश का मुसलमान अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग करता है तो गद्दार कैसे हो सकता है। सेकुलर मुल्क है। हसन मदनी ने कहा कि देश सेकुलर मुल्क है और इस देश का दस्तूर सेकुलर है, इसलिए देश को हिंदू या किसी और राष्ट्र बनाने की बात करनी सरासर गलत है। डरता नहीं मुसलमान किसी से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा मौत से नहीं डरता है, तो फिर तुम क्या चीज़ हो। जिस दिन अपनी पे आ गया उस दिन सब कुछ तहस नहस कर देगा और उन्हें कमज़ोर समझने की कोशिश कतई मत करना। अगली कोर अपडेट निकल के आई है, सिद्धरमैया को लेकर कर्ज को लेकर रेवड़ी बांटने वाला सीएम कहने कर्नाटका में सरकारी टीचर सस्पेंड। कर्नाटका में नई सिद्धरमैया सरकार की फेसबुक पर आलोचना करने वाले एक अध्यापक पे कार्रवाई की गई है। चित्रदुर्ग जिले में कन्होली स्थित में पढ़ाने वाले एक सरकारी लोअर प्राइमरी के शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षक ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सिद्धरमैया को कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने वाले मुख्यमंत्री बताया था। सांतामूर्जी एमपी में फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के समय कर्नाटका पर 3590 करोड़ रुपये कर्ज था। धर्म सिंह के समय 15,000 करोड़ आ गया। HD कुमारस्वामी के समय 3500 करोड़, येदुरप्पा के समय 25,000 करोड़, DV सदानंद गौड़ के समय 9400 करोड़, जगदीश सेट्टार के समय 13,464 करोड़ और सिद्धरमैया के कार्यकाल में सीधे 2,42,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो इस तरीके का कर्ज जो है वो कर्ज लेकर फ्री में रेवड़ी बांटना ठीक नहीं, इसी के बाद सस्पेंड कर दिया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां बिना आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोट बदलने की परमिशन क्यों। RBI और SBI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए BJP नेता। 2,000 रुपये मूल्य वाले करेंसी नोट के चलन के क्रमिक तौर पर बंद करने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। इसे लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी वैष्णव उपाध्याय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। इसी जनहित याचिका में कहा गया है कि रुपये 2,000 के नोट किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोटों में नगद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को निर्देश देने की भी मांग की गई है। 2,000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं और इससे कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा नहीं जमा करा सकेगा। इससे काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों को आसानी से पहचान हो सकेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, विदेशी फंडिंग वाले 4,000 से अधिक मदरसों पर होगी कानूनी कार्रवाई। पिछले साल सर्वे में 84 से 41 मिले थे अवैध। दरअसल प्रदेश में अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहे सरकार को शिकंजा कसने की तैयारी में है और 4,000 से ज़्यादा गैर मान्यताप्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इन मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड अधिकारियों को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही मंथन हो चुका है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बात की बैठक की गई कि 12 बिंदुओं पर कराए गए सर्वे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर यह भी मदरसों के आय का स्रोत क्या है। सर्वे में 84 से 41 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से चल रहे थे, इनकी मान्यता नहीं ली गई थी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर के जिलों में तो ये तरीके के मदरसों का जाल मिला था। लेकिन आपको बता दें, इसके पीछे की साजिश समझिए। दरअसल आपको बता दें, मदरसे को इस तरीके से कहा जा रहा है कि वो मदरसे जब सरकारी हो जाएंगे, सरकार ने काम लाइसेंस भी देंगे तो अपने तरीके की पढ़ाई करवाएंगे और आधुनिक पढ़ाई करवाएंगे, उनमें दीनी ज्ञान को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अभी जो स्वतंत्र रूप से जो फंडेड मदरसे हैं उनमें दीनी ज्ञान भी दिया जाता है और अपने इस्लाम धर्म को लेकर भी ज्ञान दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत BJP को इस्लाम धर्म के ज्ञान से है और यही कारण है कि जब हम फंडिंग करने लगे, सरकार ने कहा है कि आप लाइसेंस लीजिए, हम लाइसेंस देंगे और उनको जो है वो फंडिंग करेंगे। तो जब वो लाइसेंस दे देंगे, फंडिंग करेंगे, तो वो आधुनिक शिक्षा पढ़ाएंगे। अच्छी बात है आधुनिक शिक्षा, लेकिन जिन मुस्लिमों को आधुनिक ज्ञान लेना है वो जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दीनी ज्ञान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर कई मौलानाओं ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। अगली कोर अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों नोट बदलने में जल्दबाजी ना करें, 30 सितंबर के बाद भी रहेगा अवैध, RBI ने दी जानकारी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किसी को भी अपने 2,000 रुपये के नोटों को वापस करने या बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी नोट वैध रहेंगे। RBI गवर्नर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बैंक के चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं है, आपके पास 4 महीने का समय और 30 सितंबर तक। दास ने कहा है कि समय सीमा सुरक्षा मूल्य मुख्य रूप से इसलिए दी गई है ताकि लोग इसे गंभीरता से लें और नोट वापस करने का प्रयास करें।
आरबीआई प्रमुख ने कहा 2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे। उसके मुताबिक बैंकों को कुल 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है।